The Family, directed by Amit Shree Yadav and presented by Shyam Entertaiinment Pvt Ltd, जो कि पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है. आज हम फिल्म के जो लीड हैं राज मीना, जो कि राजस्थान से हैं, इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, तो इस फिल्म में के बारे में उनसे दो शब्द बात करते हैं. जी, जैसे कि मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मुझे करीबन 10 साल हो गया मुंबई में स्ट्रगल करते करते. तो आप सोच सकते हैं कि मेरा तो कोई गॉडफादर है नहीं. तो मैंने हमेशा अपनी लगन मेहनत से और जो मेरे राजस्थान के मेरे जो परिवार वाले हैं, खानदान वाले, मेरे खुद के पिताजी जो हैं वो रेलवे में, मेरे दादा दादी किसान थे, तो उन्हें भेड़ बकरियाँ बेच के पापा जी को पढ़ाया. तो उन्हें अपने परिश्रम से, लगन से, एक रेलवे अधिकारी जो बड़ी पोस्ट पे, उनने पूरा राजस्थान का नाम रोशन किया. वैसे ही कहीं ना कहीं मेरे पर भी एक भार है, जो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान की पूरी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मीना समाज से, इवन मैं राजस्थान को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब लोग परिवार ही हैं, सबका परिवार है, और सब लोग कहीं ना कहीं अपने आत्मा से जुड़े हुए हैं. और हम लोग का अगर इस धरती पर आएँ तो हम लोग एक दूसरे का साथ के लिए आएँ. तो मैं मुंबई आया तो मेरा उस टाइम पे सपोर्ट मेरे मॉम डैड का, मेरे खानदान वालों का, फिर राजस्थान के कुछ लोग जो मेरे को जानते हैं. और जैसे जैसे मैं बाहर बाहर पढ़ा हूँ, पढ़ के फिर मैं इधर आया, तो काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी मेहनत की. अब जैसे मुझे रोज़ की तरह मैं सुबह उठा और तैयार हुआ और ऑडिशन के लिए निकला. तो इधर उधर आरामनगर ऑडिशन देते हुए अपना ये महाड़ा में गया, वहाँ पे ऑडिशन दे के, फिर मैं देन श्याम अवतार केडिया जी का नाम, जैसे मैंने एक बार सुना था लाइफ में ट्विस्ट है, उनकी फिल्म आई थी 2014 में उनकी रिलीज थी, राइट? तो मैं उनके ऑफिस में चला गया. तो वहाँ पे मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे को मिले थे. बाद में वो कास्टिंग डायरेक्टर भी चेंज हो गए, आशीष जी अभी, जैसे अपने सिद्धांत राज वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर, तो वो मिले मुझे. फिर उनने मेरे को बताया, ब्रीफ दिया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है. मतलब अच्छा, पारिवारिक फिल्म है, मतलब आज के दौर में इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जैसे कमर्शियल सिनेमा जो चल रहा है, जिसका दौर चल रहा है कि सब सेक्स को, इवन जो एक डबल मीनिंग चीज़ें हैं और जो हाइप है, जैसे कि मीडिया जो चेंज कर रही है, तो कहीं ना कहीं सोचा कि यार पारिवारिक फिल्म और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि जैसे सूरज बरजातिया सर जो हैं, हम लोग फिल्म बनाते हैं, उनका जो एक दौर था, अभी भी हैं लेकिन थोड़ा सा अभी काफ़ी टाइम से बागवान के बाद से कोई फिल्म नहीं आई, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो पारिवारिक फिल्म है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अगर मैं इसका पार्ट हूँ. तो मैं ऐसे ही गया, मेरे को ब्रीफ मिला, फिर मैं प्रिपेयर हुआ उस कैरेक्टर के लिए. तो मुझे स्क्रीन टेस्ट लगा, खाली मेरा लुक टेस्ट था, अब मुझे पता नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा. लुक टेस्ट दिया, एक मेरा बाल बहुत चंपू कर दिए और एक वहाँ पे ही कुछ ड्रेसेस थी, तो एक शर्ट मैं लेके, मैं कैरी करके नहीं लाया था बैग में, तो मुझे एक शर्ट पहनना ही बहुत ही, फिर एक पैंट वो अजीब सी ऊँची उठी हुई गांव वाली. मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ लेकिन गांव में मैं आता जाता रहा हूँ, तो गांव में मैं कभी रहा नहीं, मेरे पापा जी गांव से बिलोंग करते हैं. तो मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कॉल आया, वो डायरेक्टर सर का था, अमित श्री सर का. मतलब आपका ऑडिशन जब लिया था वहाँ के एसोसिएट डायरेक्टर ने लिया और आपको फ़ोन जो है अमित श्री यादव जी ने किया, जो डायरेक्टर है फिल्म के. बिल्कुल, मैं पहले बहुत खुश हुआ कि हाँ सर, मतलब कि बेटा कहाँ पे हो, मतलब कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, मतलब कि जल्दी आ जाओ ऑफिस तुरंत. मैं तुरंत ऑफिस गया, फिर उनके केबिन में गया, फिर मैं अमित श्री सर से जाके मिला, तो उनसे काफ़ी बातें हुई, बोले क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या किया है. तो मैंने उनको बताया कि मैंने MTV में भी काम किया है, कैसी आ रही, उसमें मेरा छोटा कैरेक्टर था, अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया. फिर मैंने मराठी फिल्म भी की, जिस जो 2015 में रिलीज हुई है. फिल्म का नाम क्या था? शॉर्टकट. अपना मराठी महीते का जी, माला मराठी समझते, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ बट पूरी समझ में आती है मुझे. तुम्हें मराठी मनुष्य ना, तम मराठी मनुष्य नहीं है, मैं वैसे बेसिकली राजस्थान को बता चुका हूँ. जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, बिकॉज़ आई नो आल्सो लिटिल मराठी, आई कैन स्पीक वेल, दैट्स व्हाई. जी जी जी, इट्स ओके. इट्स वेरी, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी, यू नो, समटाइम्स इट गिव्स अ सर्टेन काइंड ऑफ, यू नो, थॉट्स. इफ यू वर्क इन सम अदर रीजनल लैंग्वेज फिल्म्स, इट टीच यू मैनी थिंग्स. सो इनफैक्ट यहाँ मराठी फिल्म किया होगा शॉर्टकट में, इनफैक्ट शॉर्टकट के जो EP है इस फिल्म के साथ भी जुड़े हुए, सोएब खान जी. तो इनफैक्ट जब आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं तो उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया. नहीं, आपकी बात एकदम सही, बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है.
तो जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, सही बात है कि अगर आप किसी से पहले से परिचित हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, शुएब खान जो सर है मेरे, जिनके साथ में मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, उनमें उसमें भी ईपी थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा एक किरदार था। मैं कॉलेज गोइंग था, बड़ा आउट गोइंग बंदा था, बड़ा चिल आउट बंदा था मैं, मेरा खुद का बैंड था। तो वो फिल्म जो थी 2015 में रिलीज़ हुई, कहीं ना कहीं वो वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला। और यहाँ पे जब मैं अमित श्री सर से मिला तो उनने मेरे को ब्रीफ़ दिया करेक्टर के बारे में, बोले कि आपका लुक बहुत पसंद आया और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ये लुक में बहुत परफेक्ट हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से ना, मैं हतोत्साहित हुआ, मेरी आत्मा लगी, अरे वाह सर, हाँ ठीक, ओके, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, ओके। तो सर ने मेरे को ब्रीफ़ दिया, उसके बाद बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा एक ऑडिशन लेंगे। बोले ठीक है सर, बिल्कुल आप लीजिए। तो उनने मेरे को ब्रीफ़ दे के फिर एक सीन पकड़ाया,